का फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा इस शक्ति कोच रिवॉर्ड ऐप के बारे में, जो कि टाटा कंपनी का ऐप है। तो इसको ऐप ओपन होने के बाद स्टेप्स आपके पास सामने दिखेगा। इसमें टाटा स्टील ऊपर लिखा होगा, टाटा बामास, टाटा कोच स्टेप्स लिखा है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप मोबाइल नंबर से इसमें लॉगिन करें, जनरेट OTP करें, फिर लॉगिन करें। अगर फर्स्ट टाइम इसमें यूज़ कर रहे हैं इस ऐप को, तो आपको जहाँ से सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है उसके थ्रू कर सकते हैं। जहाँ अगर आपके पास एक्टिवेशन कोड है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जहाँ पे ऑप्शन है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, इसको क्लिक करना है। इससे पहले अगर कोई हेल्प चाहिए तो इस पर हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन किया गया है। ये दोस्तों फैब्रिकेटर ऐप है, उसके लिए जी इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये पेज लोड होने लगता है। लोड होने के बाद जहाँ से एक फॉर्म ओपन होकर आएगा इनका, टाटा शक्ति का, जो कि भी लोड हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। जिसे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर फैब्रिकेटर, तो जी आ जाएगा। आपको अपना इसमें नाम लिखना होगा, यूज़र नेम किस टाइप से आप बनाना चाहते हो उस टाइप से आप क्रिएट कर लीजिए। तो उसके बाद हैव ए रेफर कोड, अगर किसी ने रेफर कोड किया है तो आप यस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो करें। आप प्रोडक्ट कौन सा यूज करते हैं, शक्ति का या कोच का, उसमें से ये सिलेक्ट करना है कोई एक। उसके बाद मान लीजिए फर्स्ट नेम आपको अपना एंटर करना है, जहाँ पे लास्ट नेम एंटर करना है, तो मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपको रेजिडेंस एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, कंट्री, ये सब सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या आप इसमें अटैच करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। जैसे KYC डॉक्यूमेंट टाइप को अगर मैं क्लिक करूँ तो पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इस टाइप से आ जाएगा। जो भी आपके पास है वो लिखना है, इसमें डॉक्यूमेंट नंबर लिखना है और सिलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, तो इसमें लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना शॉप मैंशन करना है, ठीक है, शॉप अपना मैंशन करें। अगर आप इसमें मेंशन करना चाहें तो कर भी सकते हैं। बाकी मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जो स्टार लगा है आप उसको ही आपको फिलअप करना है, जो उसमें स्टार नहीं लगा है वो आपको फिलअप नहीं करना है। तो जैसे कि इसमें अभी डेट ऑफ बर्थ में कंपलसरी नहीं है, जी मेरिटल स्टेटस भी कंपलसरी नहीं है, जो आप दो ये आपको ज़रूर सेलेक्ट कर, जैसे फैब्रिकेटर है तो फैब्रिकेटर करके इसको हम अपलोड करेंगे। जैसे कि सारा डेटा जैसे हम फिलअप कर देंगे इसमें, तो इसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसमें जैसे इंग्लिश के साथ ही हम कंटिन्यू करेंगे, तो मैं एक एक करके डेटा इसमें अपलोड करता हूँ अपना, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। और दोस्तों बता दो आपको, इसमें जो प्राइमरी डीलर है वो कंपलसरी आपको ये फिलअप करना होगा। प्राइमरी डीलर कम फिलअप करने के बाद तो ये रिव्यू पे जाएगा, तो भी मैं फिलअप करता हूँ। देखिए दोस्तों सारा कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसमें आपके पास पेज इस टाइप से ओपन होकर आएगा सामने। आप आपका नाम आएगा, ऊपर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, अवेलेबल पॉइंट बैलेंस जहाँ पर आ जाएगा, रिडीम नाउ का ऑप्शन आएगा, टोटल पॉइंट है, टोटल पॉइंट रिडीम का है वो अर्न का था, जहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। तो इस टाइप से पेज ओपन होकर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बताऊँ, कॉन्टैक्ट अस को अगर क्लिक करें तो जहाँ पे आप दे सकते हैं ये क्या है, फैब्रिकेटर विल रिसीव 25 पॉइंट फॉर एवरी अप्रूव परचेज रिपोर्टिंग इन द प्रोग्राम फॉर 1000 रुपीज। ऑल यू हैव टू डू टू अपलोड योर परचेज इनवॉइस बाय विजिटिंग द रिकॉर्ड परचेज पेज, यानी कि आपको इसमें से पॉइंट अर्न करने के लिए आपको अपना बिल अपलोड करना होगा, तो उसके बाद ही आपको ये 25 पॉइंट मिलेगा। 1000 पॉइंट पर 25,000 रुपये का परचेजिंग में 25 पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो कोई आपको हेल्प चाहिए तो जहाँ पे इनका हेल्पलाइन नंबर मेंशन किया गया इस पर आपको कॉल करना है, इनका मेल आईडी भी है, जहाँ पे भी आप कॉल करके इनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।